हेलो फ्रेंड्स, कस्टमर ने अगर टीजी सीरीज का रेफ्रिजरेटर परचेज किया है तो प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने के बाद डेमोन्स्ट्रेशन में कौन से की फीचर्स को हाईलाइट करके बताना जरूरी है, ये इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगा। इस फ्रिज में 35 लीटर का जंबो वेजिटेबल बॉक्स मिलता है जो किसी दूसरे ब्रांड के फ्रिज में नहीं आता है। इस जंबो वेजिटेबल बॉक्स में ज़्यादा क्वांटिटी में वेजिटेबल या फ्रूट्स रख सकते हैं और उसकी क्वांटिटी और टाइप्स के अकॉर्डिंग इस बॉक्स की ह्यूमिडिटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे इस बॉक्स में रखी हुई वेजिटेबल्स या फ्रूट्स फ्रेश रहते हैं। इस रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर सेक्शन को आप 4 एडवांस टाइम सेविंग मोड्स, इंस्टा कुक, टिफिन फ्रेश, प्रो मैरिनेट और प्रो चिल में कन्वर्ट करके उसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस सेक्शन को रेफ्रिजरेटर में भी कन्वर्ट करके इसमें वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर कोई भी ईटेबल आइटम्स को रखा जा सकता है। मैं आपको बताता हूँ कि ये 4 एडवांस टाइम सेविंग मोड्स के क्या बेनिफिट हैं। इंस्टा कुक, इस मोड पर आप फ्रोजन वेज और नॉन वेज रॉ फूड आइटम्स को स्टोर करके 6 डेज के लिए रख सकते हैं। रॉ फूड मटेरियल्स के ऊपर एक पतली सी आइस की लेयर जमती है जो कि रूम टेम्परेचर में आते ही मेल्ट हो जाती है। उस फूड आइटम्स का टेस्ट ख़राब नहीं होता और आप इजीली कट करके उसे कुक कर सकते हैं। टिफिन फ्रेश, इस मोड पर आप लेफ्ट ओवर फूड आइटम्स या फिर फ्रेशली कुक्ड फूड आइटम्स को 6 डेज के लिए रख सकते हैं। कुक्ड फूड का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही मेंटेन रहता है। प्रो मैरिनेट, इस मोड पर आप चिकन टिक्का, पनीर टिक्का को कुक करने के लिए उसे मैरिनेशन के लिए रख सकते हैं, जो कि 2 आवर्स में ही मैरिनेट कर देता है, जिससे टाइम भी सेव होता है। प्रो चिल, इस मोड पर लस्सी, स्मूदी जैसे बेवरेजेस को बनाकर चिल्ड करने के लिए रख सकते हैं, जो कि 2 आवर्स में ही चिल्ड हो जाता है और उसका टेस्ट और टेक्सचर भी मेंटेन रहता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप इस सेक्शन को कन्वर्ट करके कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस सेक्शन को फ्रीज़र की तरह इस्तेमाल करना है तो इसे सबसे पहले फ्रीज़र पे सेट कर दें, एयर फ्लो वॉल्यूम को 2 पे सेट कर दें और रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर को 3 पे सेट कर दें। तो इस तरह से ये फ्रीज़र में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसे एज ए फ्रीज़र भी यूज़ कर सकते हैं। इस सेक्शन को फ्रिज में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे सबसे पहले कन्वर्टेबल पे सेट करना है, एयर फ्लो वॉल्यूम को 1 पे सेट करना है और रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर को आपको 3 पे सेट कर देना है। तब ये फ्रिज मोड में कन्वर्ट हो जाएगा और आप इसमें वेजिटेबल, फ्रूट्स या कोई भी ईटेबल आइटम्स को स्टोर कर सकते हैं। प्राइम फ्रेश मोड्स के लिए इसे आप सबसे पहले प्राइम फ्रेश पे सेट कर दें। इंस्टा कुक मोड के लिए एयर फ्लो वॉल्यूम 1 पे रहेगा और रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर 3 पे सेट कर दें। टिफिन फ्रेश मोड के लिए एयर फ्लो वॉल्यूम 1 और रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर 2 पे सेट कर दें। प्रो मैरिनेट मोड के लिए एयर फ्लो वॉल्यूम 1 रहेगा और रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर को 1 पे सेट कर दें। उसी तरह से प्रो चिल मोड के लिए एयर फ्लो वॉल्यूम 1 पे रहेगा और रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर को 4 पे सेट कर दे। तो इस तरीके से आप अपने फ्रीजर सेक्शन को कन्वर्ट करके उसे यूज कर सकते हैं। इस फ्रिज में टफिन ग्लास शेल्फ मिलते हैं जिस पर आप 100 केजी तक का वेट रख सकते हैं और ये एडजस्टेबल भी होते हैं। इस फ्रिज का सोफिस्टिकेटेड डिजाइन इसे एक प्रीमियम लुक देता है। सो आई होप आपने इस वीडियो से टीजी सीरीज रेफ का डेमोन्स्ट्रेशन कस्टमर को कैसे देना है ये समझ लिया होगा। थैंक यू।